हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का पैरावॉन किस प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है अदिति और हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं करेंट पढ़ने वाले हैं तो कौन कौन अभी क्लास में बना हुआ है चल बेटा पढ़ाई कर राम राम जी और कौन है रंजन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग नितेश यादव वेरी गुड मॉर्निंग और मनीष पाल जी वेरी गुड मॉर्निंग तो जो अभी वेट करके चले गए हैं जल्दी से वापस आ जाइए थोड़ा सा जो है टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए क्लास थोड़ा लेट हो गया है कोई बात नहीं है हम जो है उतना ही पढ़ाई करने वाले हैं उसी जोश के साथ जो है फिर से क्लास को जो है आपको क्या करना है वापस आ जाइए पढ़ाई करनी है ठीक है थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और इस चक्कर में आप लोग चले गए हैं तो देखिए पढ़ाई करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए ठीक है देखिए जब भी जो क्लास जब भी लगे आपको बस लाइव आ जाना है अभी क्लास लाइव है तो जल्दी से आ जाइए और आज का कोट है कि तू तो हृदय में क्या है तू हृदय में यह रखो कि यह जीत का विश्वास रखना है कि तू कर सकता है बिल्कुल अपने अंदर क्या है आपको कॉन्फिडेंस रखना है मैम वॉइस <coughs> वैसे आपको बच्चा अच्छा मिला है चलिए अच्छी बात है ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई लकी हूं कि इतने अच्छे बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं चलिए हाँ भाई कोर्ट पे आते हैं तू कर सकता है हृदय में जीवित यह विश्वास रखना तू ही कर सकता है कभी ये दिल में क्या है गुमान मत लाना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं लेकिन इसको नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ठीक है बाकी लोग भी कर सकते हैं अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं ये अच्छी बात है लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये दिमाग में नहीं लाना है चलिए ताकि हाँ भाई बिल्कुल अब देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मशीन्स का थोड़ा इश्यू हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ठीक है चलिए फिर पढ़ाई करते हैं वापस से स्टार्ट करते हैं जल्दी से आप लोग आ जाइए और जो है एक बार हेलो वेरी गुड मॉर्निंग जो भी बोलना है जल्दी से बोल दीजिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है इम्पॉर्टेंट है अभी देखिए करेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है ठीक है करेंट जो है और साथ ही क्या है करेंट के साथ हम कुछ स्टार्टिंग जी भी करते हैं हाँ चलिए आपसे शिकायत नहीं है चलिए थैंक यू सो मच शिकायत नहीं है तो चलिए फिर आते हैं अगले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फर्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> है कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो है दो फरवरी को क्या है वैटलिन डे जो है मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया अब इस पर जो है थीम पूछी जा सकती है दो फरवरी सबको पता है कि हर साल दो फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है अब इसकी थीम बताइए जरा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस दो की थीम क्या है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर ऑप्शन बी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन है वेरी गुड वेटलैंड्स एंड वाटर है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी है तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी वेरी गुड और जो है मनीष और रीत जो डेली क्लास में आते हैं प्लीज जल्दी से क्लास में आ जाइए ठीक है रंजन जी वेरी गुड मॉर्निंग सभी जो है जल्दी से आई क्या बात है बहुत सही दो फरवरी को जो है हर साल मनाया जाता है और इस बार की जो है थीम क्या रही इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन जो है इस बार की थीम रही अब बात करें वेटलैंड्स की तो वेटलैंड्स क्या होते हैं आर्द्र भूमि क्या होते हैं तो ऐसे दलदली एरिया होते हैं जहां पर क्या है हर टाइम जो है जल भरा रहता है और ये जल को क्या करते हैं पॉल्यूशन से बचाते हैं और इन्हीं को आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित करने के लिए इनको कंजर्व करने के लिए इनको रिस्टोर करने के लिए बेसिकली क्या है विश्व आद्र भूमि जो है एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में ठीक है कहाँ पर हुआ था ईरान के रामसर में हुआ था और कब हुआ था 1971 में भारत ने इसमें भारत इसमें कब शामिल हुआ जल्दी से बताइए कि भारत क्या है इसमें कब शामिल हुआ एकदम सही है कि 75 जो है रामसर साइट्स हैं इंडिया में ठीक है सबसे ज्यादा कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है तमिलनाडु में कितने हैं फोर्टीन हैं और अगर पूछ ले कि सबसे पहली कौन सी रामसर साइट जो है भारत की है जरा बताइए तो कि भारत इस ये जो ईरान का ये जो समझौता हुआ इसमें भारत कब शामिल हुआ तो भारत शामिल हुआ 1982 में ठीक है भारत पहले इसमें 1971 में शामिल नहीं हुआ भारत 1982 में शामिल हुआ और सबसे पहली जो रामसर साइट है वो चिल्का झील है कौन सी है चिल्का झील है और कहां पर है उड़ीसा में है ठीक है उड़ीसा में चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है मनमोहन सिंह को दिया है जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे <coughs> यादव जी जी राम राम चलिए वेरी गुड आंसर एकदम सही झील नहीं चिलका. अगला है ऑप्शन है आपके पास अभी वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह या अजीत डोभाल तो बिल्कुल सही ये जो यूके के द्वारा लंदन में जो है ये इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स जो दिया गया है इसके द्वारा ऑनर्स द्वारा जो है क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है किस लिए कि इनका जो इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी और साथ इनका जो पॉलिटिकल जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके द्वारा क्या है उसके उसी के लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनका चाहे इकोनॉमिकली देखें और चाहे इनका पॉलिटिकली देखें ठीक है हाँ भाई समझ गए कि थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है कोई बात नहीं है तो इसमें इन इनको मिला है मनमोहन सिंह को तो हमारे देश के क्या रहे ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे कितनी बार तो 2009 से 2009 से ही रहे ना 2009 से 14 में भी रहे और उससे पहले 2004 में भी रहे क्या दो बार रहे हैं ना बिल्कुल दो बार रहे हैं ठीक है चलिए अभी बात करें तो उन्नीस के टाइम में जो है क्या रहे ये वित्त मंत्री रहे क्या रहे वित्त मंत्री रहे तो इनकी जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही रहा वित्त मंत्री के टाइम पर इन्होंने क्या किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उदारीकरण का जो बेसिकली अभी आप देखते हैं ना लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इनके द्वारा ही दिया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है मैनुला रोका बॉडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि हर देश में जैसे न्यूजीलैंड की बात करें बहुत सारे देशों में क्या है अलग अलग जो है देशों में महिलाओं का क्या है प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो है नियुक्ति हो रही है चलिए अब जल्दी से बताइए कि कहां पर जो है इनकी नियुक्ति की गई है ऑप्शन ए बेल्जियम और गिनी वेरी गुड सबका आंसर अलग अलग आते हुए चलिए जल्दी से बताइए <coughs> और लोग आंसर क्यों नहीं करें भाई इतने लोग जो हैं क्लास में भी हैं तो बिल्कुल एकदम सही है क्या है गिनी गिनी कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में आता है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है ये आता है जहां पर क्या है इनको प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनको चुना गया है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब जो है इस वर्ष 2022-23 की अगर बात करें तो किन किन को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं बिन नेतन्याहू है ठीक है इसके साथ ही स्लोवेनिया की जो है राष्ट्रपति कौन बनी है नताशा पिर्क मुशर बनी है अगला है फिजी के प्रधानमंत्री तो सित्वीनी, सित्वीनी, राबुका और आयरलैंड के कौन बने हैं लियो वराडकर तो इनका भी याद नाम याद रखना है आपको क्योंकि अभी रिसेंट में जो है इनकी नियुक्ति हुई है चलिए आगे आते हैं कि भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाने वाले हैं अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर अगर पॉलिसी की बात करें तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है सेमीकंडक्टर समझते हैं ना आप लोग सेमीकंडक्टर <coughs> की अगर बात करें तो आपके जो है डिवाइस जो होते हैं जैसे आपका कंप्यूटर हो गया आपका फोन हो गया तो उनमें जो चिप वगैरह जो इस तरह से जो सर्किट बने हुए थे होते हैं यही सब किस में आते हैं आपके सेमीकंडक्टर अब इसका एग्जाम्पल समझे तो सिलिकन हो गया जर्मेनियम हो गया तो इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला ठीक है पॉलिसी लाने वाला तो राज्य होगा गुजरात इससे क्यों जो है इसको पॉलिसी क्यों लाया गया है इससे क्या होगा कि जो है इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा आकर्षित हो ये जो है पहली, पहली तरह की जो है सेबी कंडक्टर पॉलिसी लाई गई है कि इन्वेस्टर्स को नए नए निवेश को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए और साथ ही क्या है आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चलाया गया है ना इंडिया के द्वारा उसी को प्राप्त करने की दिशा में ये क्या है एक जो है एक आ, स्टैप कह सकते हैं इसको ठीक है अब इसी को लेकर क्या है सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है इसमें भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है तो ये सभी मंत्रालय भारत के ही है जरा बताइए तो कि कौन बना है रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय चलिए जल्दी से आंसर करें क्या आंसर होगा इसका तो एमएसएमई की अगर बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं छोटे छोटे जो विक्रेता होते हैं बेसिकली उनके सामानों को खरीदार जो है सबसे ज्यादा खरीदारी हमारा कौन सा मंत्रालय कर रहा है तो रक्षा मंत्रालय ठीक है रक्षा मंत्रालय जो है कर रहा है एक पोर्टल के थ्रू कौन सा पोर्टल है ई मार्केट जो है करके एक पोर्टल बनाया गया है अगर किसी को पता है विदेश मंत्रालय नहीं होगा रक्षा मंत्रालय होगा अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए तो उसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके है ठीक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के थ्रू जो है एक तरीके का ये पोर्टल है यहाँ पर जितने भी एमएसएमई से जुड़े हुए जो विक्रेता है वो अपने सामान अपनी सर्विस यहां से प्रोवाइड करते हैं और रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ा खरीदार बनकर क्या है उभरा है एमएसएमई के सामानों का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि भारत क्या है हर फील्ड में जो है, जो है है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की जो है कोशिश कर रहा है चलिए अब कुछ योजनाएं हैं इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि अलग अलग स्टेट की कुछ योजनाएं रही और उन योजनाओं को कौन से स्टेट ने जारी किया जैसे कि अग्निपथ योजना तो केंद्र सरकार की योजना है इसमें क्या है <coughs> अच्छी बात है बिल्कुल फाइव पॉइंट नाइन फोर बजट आप एग्जैक्टली exactly मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं बजट भी रक्षा के लिए दिया गया है अच्छा ओके ओके समझ गई पैसों की बात की जा रही है चलिए आते हैं अग्निपथ योजना पे तो इसमें क्या है अग्निपथ योजना के तहत क्या है अग्निवीर जो जिनकी नियुक्ति की जाएगी वो क्या कहलाएंगे अग्निवीर और चार साल के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जानी है पहला बैच आ चुका है जो गणतंत्र दिवस की परेड में क्या है शामिल हुआ था वन परसेंट लर्न जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका चलिए तो चार साल के लिए और इस में क्या है तीन साल तो वो सेवा देंगे और छह महीने क्या करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है पहला बैच जो है वो आ चुका है और जो आपकी छब्बीस जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें शामिल भी हुआ अच्छा अगला है लाडली योजना और चिरंजीवी योजना जरा बताइए तो पहले भी मैंने पढ़ाया इनके बारे में देखते हैं कौन आंसर सही करता है तो लाडली का आंसर जो है चल बेटा पढ़ाई कर कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश की है बिल्कुल सही है तो मध्य प्रदेश की योजना है ठीक है अब आते हैं अगला चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की है ठीक है इसके अंतर्गत पहले बात की गई थी कि पांच लाख रुपए तक का जो है बीमा देना है लेकिन अब जो है ये अमाउंट बढ़ाकर दस लाख रुपए तक का क्या है इसमें स्वास्थ्य बीमा जो है दिए जाने की बात की गई है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं आगे है पीएम श्री योजना तो इसके बारे में तो कितनी बार पढ़ा है पीएम श्री योजना की अगर बात करें तो पांच सितंबर को क्या होता है शिक्षक दिवस 2022 में शिक्षक दिवस पर जो है इस योजना को लॉन्च किया गया मोटिव क्या था कि चौदह हजार पांच सौ दो हजार बाईस चौदह हजार पांच सौ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका क्या करना है उनका जो है स्कूल जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही जो पढ़ाने का तरीका है उसको क्या है चेंज करना है डेवलप करना है अगला है एजुथम एजु योजना तो ये कहां की योजना है जरा बताइए और कौशल्या मातृत्व योजना दोनों बताइए जल्दी से कहां की योजनाएं हैं चलिए जल्दी से आंसर करें तो ये वाली जो योजना है ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट की ठीक है इसको कौन लेकर आया है तमिलनाडु गवर्नमेंट और ये वाली किसकी है ये छत्तीसगढ़ की योजना है ठीक है ये छत्तीसगढ़ की योजना है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जब भी क्लास हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जिन्होंने अभी तक जो है सेशन को लाइक नहीं किया है बिल्कुल कर दें भाई देखिए एक क्लास के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि आके पढ़ाना है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है उसके बाद क्वेश्चन जो है तैयार किए जाते हैं फिर उसके बाद क्लास होती है ठीक है चलिए यूपीएससी द्वारा किसे ड्रग कंट्रोल कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है राजीव रघुवंशी नरेश ललवानी सिद्धार्थ शर्मा या श्यामल भाई भी पटेल चलिए जल्दी से आंसर कीजिए कि किसको जो है सिफारिश की गई है यूपीएससी के द्वारा तो ऑप्शन ए लास्ट वाला यादव सॉरी समझ नहीं आया एक सेकेंड लास्ट वाले याद हैं वो अच्छा ठीक है ओके चलिए अच्छी बात है अब इसमें अगर बात करें तो राजीव सिंह रघुवंशी इनको जो क्या बनाया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है मान लीजिए जैसे आपका इनको वैक जो वैक्सीन आई है तो ये जो जब तक ये सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक उसको यूज में नहीं लाया जाएगा तो कोई भी ड्रग होगी उसका यूज करने से पहले यहाँ से सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है उसके बाद ही जो है वो यूज की जा सकती है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक जो है मनाया जाता है एक से सात फरवरी दो से आठ फरवरी तीन से आठ तीन से नौ या चार से दस फरवरी चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और जो है देखिए सेशन को लाइक जरूर कीजिए और रही बात पढ़ाई की तो देखिए जहाँ से भी ज्ञान मिले जहाँ आपको अच्छा लगता है बिल्कुल जुड़िए अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो बिल्कुल डेली क्लास में आइए स्वागत है आप सभी का ठीक है होता है कभी कभी कि दो दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी जब ज़्यादा ही हो जाता है तो क्लास नहीं ले पाई थी इसीलिए जो है क्लास नहीं हो पाया आज की अगर बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था लेकिन क्लास हुई है तो ये मत सोच के चले जाइए कि भाई इसमें हमारा नुकसान ही इसमें आपका नुकसान हो जाता है तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए थोड़ा पेशेंस रख लीजिए कि पढ़ना तो आप ही को है आप ही को एग्जाम निकालना है ठीक है चलिए हाँ वेरी गुड अच्छी बात है आप इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई टेक्निकल फॉल्ट था उसमें क्या कर सकते हैं ऑप्शन ए वेरी गुड तो एक से सात फरवरी के बीच में क्या है ये जो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह है इसको मनाने की बात की गई है अब इसकी अगर बात करें तो नाम में ही पता चल रहा है कि क्या है कि आपसी भाईचारे की बात की जा रही है कि सभी धर्मों के लोग क्या है आपस में जो है सद्भावना रखें एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारे की भावना रखें ठीक है तो इसकी शुरुआत कब की गई कोई जानता है क्या एक से सात फरवरी के बीच में इसको मनाने की बात की गई है ये एकदम सही है और इसकी शुरुआत हुई है कब इसकी शुरुआत हुई है 2010 से जो है इसको मनाने की शुरुआत की गई है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अच्छा फिर से योजनाएं आ गई हैं। अब योजनाओं की अगर बात करें तो अगली योजना है महिला निधि ऋण योजना तो नाम में ही दिख रहा है कुछ योजनाएं नाम से ही पता चल जाती है साउंड <coughs> कभी कभी कट रही है अच्छा चलिए देख लेते हैं अमन चौहान जी अच्छा सर ठीक है चलिए आते हैं अगली योजना पर जिसको जो भी दिमाग में आए ना पहली बार में जो लगे ना कि योजना यहाँ की है तो बिल्कुल आंसर कीजिए देखिए यहां आंसर करेंगे तो यहाँ आंसर करने से अगर गलत भी हो जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है लाइव क्लास में फायदा यही है आपको पता चलेगा आपको कितना और पढ़ना है आपका कंपेटिटर कितना पढ़ रहा है ठीक है चलिए जल्दी से बताइए कि अगर महिला निधि ऋण योजना आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे क्या ये राजस्थान की योजना है तो नाम में दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो है बेसिकली क्या है ऋण उसमें प्रोवाइड किया जा जाएगा अगला है जीवला ऋण योजना ये कहा की है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है ठीक है अगली है सीमा दर्शन योजना तो ये गुजरात गवर्नमेंट की योजना है ठीक है गुजरात की गवर्नमेंट योजना है गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का जो मोढ़ेरा गांव है ना मोढ़ेरा गांव वो क्या है पूरी तरह से क्या बन चुका है सौर ऊर्जा संचालित जो है ये बन चुका है और इसको इसको क्या किया गया इस बार की जो 26 जनवरी की जो परेड थी ना हमारी उसमें जो इसकी झांकी भी निकाली गई थी अगर आप लोगों ने परेड नहीं देखी तो बिल्कुल देखिए कि 26 जनवरी को जो परेड निकाली गई थी उसमें मोढ़ेरा गांव का जो है पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था ठीक है इसके साथ ही गुजरात की अगर बात करें तो पहला सेमीकंडक्टर जो है पॉलिसी लाने वाला ठीक है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य है इसके साथ ही पहली 5G सेवा देने वाला अपने सभी जिलों में अपने सभी जिलों में 5G सेवा देने वाला पहला राज्य कौन सा है वो भी गुजरात है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है तो इस क्वेश्चन को क्या है हमने कल भी पढ़ा था लेकिन अलग तरीके से पढ़ा था उसमें बात की गई थी कि जो पाम ऑयल है उसको लेकर किन के बीच में जो है पतंजलि और किस राज्य के तो पाम ऑयल को लेकर ही है ये लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है तो राजस्थान ऋतिक आप किसका आंसर कर रहे हैं राजस्थान थोड़ा सा लेट से आपका आंसर आ रहा है चलिए तो ये जो समझौता है पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया है तो नागालैंड गवर्नमेंट ने किया है और किस लिए किया है कि भारत क्या है आत्मनिर्भर बने किस में तो पाम ऑयल के यूज में जो है जो भारत में पाम ऑयल जो मिलता है उसका प्रोडक्शन बढ़े उसका जो है लोग उसका कंजम्पशन बढ़ाए ठीक है उसको जो है कंजम्पशन भी बढ़ाए इसलिए जो है कि विदेशों से इसको खरीदना ना पड़े इसीलिए जो है पतंजलि फूड्स लिमिटेड और नागालैंड के बीच में क्या हुआ है ये एक एग्रीमेंट हुआ है चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर <coughs> आगे हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है थीके? अभी जो है अगर बात करें तो मंगोलिया के साथ भारत और मंगोलिया के बीच नो मेडिक एलिफेंट है जापान के बीच में धर्म गार्जियन है अभी कजाकिस्तान की अगर बात करें तो कजाकिस्तान के साथ जो है काजें ट्वेंटी टू है और अभी वर्तमान के वर्तमान में एग्जैक्ट अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले क्या हुआ है तो कजाकिस्तान ने जो है अपनी राजधानी का नाम जो है नूर सुल्ताना से क्या किया है अभी अस्ताना कर दिया है तो रशिया से अलग होने के बाद रशिया मतलब सोवियत संघ से अलग होने के बाद उन्नीस से स्वतंत्र होने के बाद बार बार जो है क्या है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी बदली है तो पिछली बार कौन सी थी पहले अस्ताना थी अस्ताना से नूर सुल्तान की और नूर सुल्तान से वापस क्या है अस्ताना कर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है चिराग योजना जरा बताइए तो चिराग योजना क्या हरियाणा गवर्नमेंट की योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया गया था टैब बांटे गए थे स्टूडेंट्स को अगली है इंदिरा गांधी शहरी यु... गारंटी योजना तो क्या ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है कि सौ दिन का जो है इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा रोजगार दिया जाएगा और कहां पर शहरी है तो शहरी क्षेत्र की बात इसमें की गई नारी नमन योजना जरा बताइए तो ये तो कितनी बार पढ़ी है <coughs> तरन कौर जी वेरी गुड मॉर्निंग चलिए मैम सर्वर डाउन है भाई किसका सर्वर डाउन है हमारी साइड से तो सब ठीक है चलिए जल्दी से बताइए कि जो नारी नमन योजना है यह कहां की योजना है क्या हिमाचल प्रदेश की योजना है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश क्या है पहला क्या है एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो है राज्य बन चुका है ठीक है धुआं मुक्त राज्य तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है 2019 में क्या है 2019 में जो है इसको क्या कर दिया गया है पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है ई अधिगम योजना मुख्यमंत्री वितान योजना वितान योजना और विनय समरस योजना अगर किसी को भी लगता है कि उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत जानना जान मत आइडिया आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके आंसर दीजिए कि ई अधिगम योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लाई गई तो ये लाई गई है किसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है ये हरियाणा गवर्नमेंट की है अगले है मुख्यमंत्री मितान योजना जरा बताइए तो भाई किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है तो ये है छत्तीसगढ़ की योजना ठीक है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने छत्तीसगढ़ की है और ये वाली विनय समरस योजना यह किसकी है हिमाचल प्रदेश ओके वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन का आंसर बड़ा लेट से आ रहा है तो यह है कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना ठीक है चल आगे आते हैं आगे है आई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है आईटीएफ का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात की जा रही है अब जरा बताइए कि इस टेन, जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ इसका फाइनल किसने जीता है जिसको कितना मिला है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर जो है उसको मिला है अब जरा ऑप्शंस को देखिए क्या प्रजनेश गुनेश्वरन है राम कुमार रामानाथन है सुमित तो नांगल है या युकीम भाबरी है जल्दी से बताइए आंसर किसी का नहीं आ रहा है भाई इतने लोग क्लास में अभी हैं कम से कम कोई तो आंसर दे एग्जाम आपने देना है आंसर आपको करना है वहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पढ़ाना है और चले जाना है अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो उतना जल्दी हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे आपको डाउट रहेगा तो वो डाउट रह जाएगा लाइव क्लास में इसी का फायदा उठाया जाता है कि डाउट है साथ के साथ पूछ लें ऑप्शन ए जो है प्रजनेश गुणेश्वरन जो है इनको जो है क्या मिला कौ, कौन सा वाला जीता है इन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा एक पुरुष टेनिस टूर्नामेंट था जिसमें क्या है ये जीत गए हैं और इनको कितनी राशि मिली है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो है डॉलर इनको मिला है ठीक है और कहाँ पर जो है इसका आयोजन हुआ ये जो टूर्नामेंट था इसका आयोजन हुआ कहां पर? में इसका आयोजन हुआ <coughs> चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला है मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है जल्दी से बताइए कि ये जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया गया दस दिसंबर ग्यारह दिसंबर नौ दिसंबर या छह दिसंबर भाई किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है क्या हो गया पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है थोड़ा सा लेट हो गए तो बिल्कुल आंसर नहीं करेंगे यही सोच के बैठे हैं क्या तो दस दिसंबर को क्या है हर साल आपका जो है क्या मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस आप जरा बताइए कि ह्यूमन होने के नाते आपके पास क्या क्या राइट्स हैं चलिए देखते हैं आप लोग अपने राइट्स बता पाते हैं कि नहीं तो इसकी अगर बात करें तो कब से जो है इसकी घोषणा की गई तो उन्नीस में जो है संयुक्त राष्ट्र जो सभा है ना उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई ठीक है संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा उसके द्वारा हर साल मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई और किसी को भी नहीं पता है क्या उनके ह्यूमन राइट्स क्या क्या है राइट टू एजुकेशन राइट टू लिव और क्या क्या है इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए जीवन जीने के लिए ठीक है पानी ये सब क्या है हमारे ह्यूमन राइट right है अगला है आई की रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधी पौधों को शामिल किया गया है तो अगर बात करें ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है इसमें अगर बात करें तो ये सभी हैं, ठीक है थीके? इन सभी को क्या किया गया है तो आयु की जो रेड लिस्ट है मतलब ये विलुप्त तो होने की कगार पर है बिल्कुल इसलिए इनको इसमें शामिल किया गया है तीनों क्या हैं? औषधीय पौधे हैं अगर पहले वाले की बात करें तो ये उत्तराखंड में जो है मिलता है ठीक है झाड़ी टाइप ये है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना झाड़ी टाइप ये उस तरह का पौधा है सी की अगर बात करें जो हिटागिरिया है तो ये हिमालय जो जहां तक हिमालय फैला हुआ है ना नेपाल में चीन में भूटान में ठीक है इन सभी में जो है ये पाया जाता है और ये इसी की फोटो है ये थोड़ा सा इस तरह से कलरफुल सा होता है एकदम फूल जैसा दिखता है ठीक है चीन हो गया म्यांमार हो गया और भारत में तो मिलता ही है ठीक है तो ये सभी क्या है औषधीय पौधे हैं जो क्या है अभी IUCN की रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा क्या है हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण इसका कर लिया गया है मतलब अब जो है अडानी ग्रुप का क्या होगा इस पर क्या होगा अधिकार हो जाएगा जरा बताइए कि ये किस देश में जो है शामिल है ओमकार जी हेलो वेरी गुड मॉर्निंग तो जल्दी से बताइए क्या ये मिश्र में है जॉर्डन में है इसराइल में है या ओमान में है वेरी गुड मॉर्निंग चलिए तो ये कहाँ पर है ये है इसराइल में ठीक है अब इससे जो है भारत और क्या होगा इंडिया के जो संबंध है वो और अच्छे हो जाएंगे अभी अगर बात करें तो इसराइल के पीएम कौन है तो बिंजामिन नेतन्याहू अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि बिंजामिन नेतन्याहू जो है क्या है इसराइल के पीएम है और इससे क्या होगा ये जो हाइफा बंदरगाह है अभी अडानी ग्रीन्स के अधिकार में होगा ठीक है अडानी ग्रीन्स के जो है मालिक कौन है अगर बात करें तो गौतम अडानी है कौन है गौतम अडानी है जो क्या है पिछले साल जो है ज्यादातर सेकंड रैंक पर ये कब्जा किए हुए थे विश्व के अमीरों में लेकिन अभी वो आ गए हैं सेवंथ रैंक पर ठीक है चलिए और कौन है भाई राम जी वेरी गुड मॉर्निंग चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है मैनुला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इनको नियुक्त किया गया है क्या ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं क्या चलिए अभी इसकी अगर बात करें तो इक्वेटोरियल गिनी वैसे तो नाम इसका क्या है गिनी है ठीक है इसका नाम जो है जो जिस देश की ये चुनी गई है अफ्रीका की हैं तुषार तो जी वेरी गुड मॉर्निंग तो इसमें अगर बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है अब इक्वेटोरियल क्यों कहा गया है तो ये जो आपकी जीरो डिग्री है जीरो डिग्री जो आपकी भूमध्य रेखा है ये वाली जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर जो है क्या है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है गिनी से होकर जाती है जीरो डिग्री ठीक है इसीलिए इस देश का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी के रूप में दे दिया गया है अब यहां पर जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है मैनुला रोका बोटे जो है ये नियुक्त हुई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सतर्क इसको जो है ये किससे संबंधित है किसने चलाया था इंडियन आर्मी ने राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेलवे सुरक्षा बल ने या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो इसको किसने चलाया ये चलाया था एक सेकेंड ये चलाया था रे, रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है इसको चलाया था और किस लिए भारतीय सेना नहीं होगा ऋतिक आई थिंक आप पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे शायद अब इसकी अगर बात करें इस सतर्क का क्यों नाम क्यों दिया गया तो बेसिकली इसमें क्या है जो तंबाकू है ना इसका क्या किया जा रहा था तो अवैध रूप से जो है इसको ट्रेन के माध्यम से क्या किया जा रहा था इधर उधर जो है अलग अलग एरियाज में पहुंचाया जा रहा था इसीलिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया एक और मिशन जो है इसके द्वारा चलाया गया रेलवे के द्वारा मिशन अमानत मिशन अमानत जो है वो चलाया गया और ये किस लिए चलाया गया तो यात्रियों का जो खोया हुआ सामान है ना उसको वापस करने के लिए यात्रियों का खोया सामान लौटाने के लिए जो है ये चलाया गया था मिशन अमानत चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है जल्दी से बताइए इस देश के साथ जो है ये बैठक की गई है चलिए आंसर कीजिए क्या इसका आंसर होगा तो भारत की अगर बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल जी हैं ठीक है थीके? अजीत डोभाल जी हैं जो हमारे भारत देश के क्या हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये जो बैठक हुई है ये यूएसए के साथ जो है की गई है ठीक है यूएसए के साथ ये बैठक की गई है जिसमें क्या है रक्षा की बात की जाएगी किस तरीके से जो है अपनी जो बैठक होगी उसमें जो है बात करेंगे कौन हमारे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को अजीत डोभाल जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बजट 2023-24 में जो अभी पेश हुआ है एक फरवरी को जो है क्या है हमारा बजट पेश किया किसने किया तो निर्मला सीतारमन जी ने वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जो है क्या है हमारा जो है ये बजट पेश किया और उन्होंने क्या है ये पांचवी बार जो है ये बजट पेश किया है इस तरह से पांचवी बार बजट पेश करने वाली वो छठे नंबर की जो है सिक्स जो है वित्त मंत्री बन गई है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अब तक बजट किसने पेश किए हैं तो जी देसाई ने ठीक है जी देसाई ने कितनी बार दस बार जो है उन्होंने बजट पेश किया है ठीक है अब आते हैं कि बजट की अगर बात करें तो दो हजार योजनाएं कौन सी हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है प्रधानमंत्री जो है विकास मिशन है पीवीजीटी, ठीक है मतलब ग्रीन एनर्जी पर जो है कल भी हमने पढ़ा था कि सप्तऋषि अवधारणा को जो है फोकस किया जा रहा है जिसमें क्या है कृषि पर फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फाइनेंशियल जो है अपने आप को मजबूत बनाना है युवाओं में स्किल्स डेवलप करनी है ठीक है तो इस तरह की ये सारी योजनाएं जो है इसमें शामिल की गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है 2022 में भारत और किस देश के बीच में अलजा फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो था ये किया गया जरा बताइए तो किसके बीच में हुआ भारत और ओमान के बीच में जो है ये हुआ था ठीक है पर अरब सागर में इसका आयोजन हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है आई आई आर एफ एमबीएर रैंकिंग दो हजार तेईस में शीर्ष पद पर किस मैनेजमेंट जो है संस्थान को इंस्टीट्यूट को फर्स्ट रैंक जो है प्राप्त तो हुआ है चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर करता है भाई कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है ऐसे लग रहा है कि वन साइडेड क्लास चल रही है और आप जो है सोच कर बैठे हैं मैम कुछ भी पढ़ाए कुछ भी पूछे हम आंसर नहीं करेंगे भाई ऐसे मत कीजिए कुछ तो बताइए चलिए अगर बात करें इसमें तो ये जो आपका अहमदाबाद है ना आई अहमदाबाद इसको जो है क्या है फर्स्ट रैंकिंग जो है मिली है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है तो ये वाला भी हमने देख लिया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो. ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है फिर से चलिए आगे आते हैं तो आतृभूमि दिवस की अगर बात करें तो दो फरवरी को हर साल क्या है आपका मनाया जाता है अब इसमें पूछा है कि पहली बार इसको कब मनाया गया था अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि कब पहली बार मनाया गया तो 1975 में 19, 1971 में 1997 में या 98 में जल्दी से बताइए पहली बार जो है इसको कब मनाया गया <coughs> जो रामसर जो समझौता हुआ ईरान में वेटलैंड्स को लेकर जो रामसर में समझौता हुआ था वो समझौता तो उन्नीस में ही हो गया था ठीक है समझौता हुआ उन्नीस में भारत शामिल हुआ उन्नीस में और ये कब शुरुआत हुई कब मनाना एकदम सही ऋतिक वेरी गुड और 1997 से जो है ये शुरुआत हुई है दो फरवरी को हर साल क्या है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना ठीक है चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर अब फिर से कुछ योजनाएं हैं और आपको बताना है कौन सी योजना किस गवर्नमेंट की है चलिए राम जी नाइनटीन होगा चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना ठीक है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है अगला है जीन बैंक परियोजना और मुख्यमंत्री मितान योजना चलिए जल्दी से आंसर करिए कि ये कहाँ की योजनाएं हैं जल्दी से बताइए तो ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ये छत्तीसगढ़ की योजना है याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था अब जरा बताइए जीन बैंक परियोजना रंजन कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग रंजन जी अब वेट करके चले गए थोड़ी देर और रुक जाते तो क्लास तभी लाइव हो गई थी और मैंने मैसेज भी किया था कि स्टूडेंट्स क्लास लाइव होने वाली है मिनट वेट कर लीजिए चलिए अगला है मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना तो नाम में ही दिख रहा है कि श्रमिकों के लिए योजना लाई गई है अगली है अम्मा बहनी योजना जरा बताइए तो कि ये कहां, कहां की योजनाएं हैं पहले की अगर बात करें तो ये जो चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है जल्दी से बताइए कहाँ की योजना है किस गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को चलाया गया है तो ये त्रिपुरा की योजना है कहाँ की है त्रिपुरा गवर्नमेंट की योजना है अम्मा बहिनी की अगर बात करें तो ये सिक्किम की योजना है ठीक है अम्मा योजना अलग है और बहिनी योजना अलग है ये स्कूल गवर्नमेंट जो, जो स्कूल में जो छात्राएं हैं ना उनके लिए योजनाएं हैं बहिनी योजना है। छात्राओं के लिए है ठीक है और ये जो अम्मा योजना है अम्मा योजना की अगर बात करें तो ये जो घर में जो घरेलू जो काम करती है ना महिलाएं उनके काम को क्या किया जाता है उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है तो बेसिकली इनके काम को वैल्यू देते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है इनको साल में जो है बीस हजार रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे तीसरी योजना की अगर बात करें तो ये पंजाब गवर्नमेंट की योजना है एकदम सही किसने आंसर किया है ऋतिक ने वेरी गुड ऋतिक चलिए अगले पर आते हैं विश्व आद्र भूमि दिवस फिर से वही हो गया भाई 1997 में जो है ये पहली बार मनाया गया चलिए आगे आते हैं गिनी किस महाद्वीप में स्थित है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्या है कि जीरो डिग्री भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो आपका गिनी है यहां से जो है जीरो डिग्री होकर जाती है तो ये कहाँ पर पड़ा फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है ये पड़ा ठीक है चलिए कोई डाउट है तो बिल्कुल क्वेश्चन कर ले अगला है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है अब इसमें अगर बात करें तो 2023 को पूरे वर्ष को क्या है मोटा अनाज मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया है इंग्लिश में अगर बात करें मिलेट्स ऑफ द ईयर जो है उसको घोषित किया गया है कि मोटे अनाज को जो है क्या करना है श्रवण कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग तो पूरे वर्ष क्या किया जाएगा मोटे अनाज की जो है प्रोडक्शन को कंज्यूम को बढ़ावा दिया जाएगा ठीक है क्योंकि हेल्थ वाइज क्या है मोटा अनाज बहुत अच्छा होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मोटे अनाज में होते हैं तो इसी के प्रति क्या है लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी है उनका कंजप्शन भी बढ़ाना है प्रोडक्शन भी बढ़ाना है तो इसके लिए क्या है कि भारत को क्या किया जाएगा वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा मोटे अनाज के लिए और इसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात की कहाँ की जा रही है तो रंजन जी कह रहे हैं बी होगा और लोग भी आंसर करें कहाँ पर जो है ये उत्कृष्टता केंद्र जो है लाने की बात की गई है चलिए <coughs> जल्दी से बताइए कहाँ पर जो है ये किया जा रहा है तो हैदराबाद बिल्कुल सही है वेरी गुड एकदम सही हैदराबाद बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है एकदम सही राम जी वेरी गुड ऑप्शन बी और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें शेयर भी कर दें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी क्लास हो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए ठीक है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जीएस का रोल बड़ा हुआ है और बिना करंट आप जीएस नहीं कर पाएंगे आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें चार से पांच क्वेश्चन आपके जीएस में करंट के आ ही जाते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो जल्दी से बताइए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जारी किया जाता है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जारी किया जाता है बिल्कुल एकदम सही रीतिक वेरी गुड अब जरा बताइए तो इसकी स्थापना क्या 1944 में हुई थी जल्दी से बताइए और जिन्होंने जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए प्रॉपरली जो है अच्छे से समझाया गया है कि वर्ल्ड जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ मुख्यालय है कब स्थापना हुई और न्यूज में क्यों बने हुए हैं बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम सही है चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अगला है कि भारत और रूसी सेना के बीच में फास्टेक्स दो 2022 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया गया था अरब सागर बंगाल की खाड़ी कच्छ का रन या दक्कन का पठार चलिए जल्दी से आंसर कीजिए 2022 में इसका आयोजन हुआ है लेकिन क्या है कि अभी आपका जीडी का एग्जाम है आपका सी एच एस एल एम टी एस हर जगह पे क्या है आपका 2022 का करंट आ सकता है जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो मैं बता दूं प्ले लिस्ट में मैंने हर महीने का क्या किया है रिवीजन करा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से कराए थे हर मंथ के हंड्रेड क्वेश्चन उसके साथ ही अभी जनवरी में भी हमने लास्ट सिक्स मंथ का रिवीजन किया है ठीक है चलिए ऑप्शन बी जो है आता हुआ आंसर वेरी गुड जो आंसर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए तो ये पास जो है कहां हुआ है अरब सागर में ठीक है अरब सागर में जो है किस किसके बीच हुआ है भारत और रूस की जो सेना है उनके बीच में चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है वरुण वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में ये आयोजित हुआ है चलिए जल्दी से बताइए भारत और फ्रांस के बीच में रशिया जापान या श्रीलंका के बीच में जो है ये वरुण युद्ध अभ्यास जो है ये किया गया चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर करता है तो रंजन जी ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड रंजन जी चलिए जल्दी से आंसर करें तो इसका आयोजन हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में और कहां पर अरब सागर ठीक है अरब सागर में है अगर पूछे सूर्य किरण सूर्य किरण किसके बीच में है तो भारत और, में है, भारत और नेपाल के बीच में है ठीक है भारत और नेपाल के बीच में है इसके साथ ही गरुड़ भी गरुड़ भी किसके साथ है भारत फ्रांस के बीच में है शक्ति किसके साथ है शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में है एक है युद्ध अभ्यास ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही क्या है युद्ध अभ्यास है ये भारत और यूएसए मतलब अमेरिका के बीच में है एक है टाइगर ट्रंप कौन सा टाइगर ट्रंप ये भी भारत और यूएसए के बीच में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है दस रुपए के नोट पर भाई किसका चित्र है जल्दी से बताइए देखते हैं अब पैसे निकाल के मत बैठ जाइएगा चीटिंग नहीं करनी है जल्दी से आंसर कीजिए ये तो बहुत ही सिंपल जो है आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि जो आपका दस रुपए का नोट है उस पर जो है किसका चित्र है आगे तो गांधी जी हैं लेकिन पीछे जो पिक्चर बनी है उसमें किसका है तो रंजन जी कह रहे हैं कोनार्क का सूर्य मंदिर है अच्छी बात है भाई बाकी लोग भी आंसर कीजिए क्या कोनार्क का सूर्य मंदिर है बिल्कुल सही है चलिए बीस रुपये पर बताइए तो कि बीस रुपये पर किसका है पचास पर किसका है सौ पर किसका है 500 सौ पर किसका है और दो हजार पर किसका है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर आपका पूछ सकता है चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा तो जो आपका बीस रुपए है उस पर क्या है आपका एलोरा की गुफा है अब जरा बताइए कि सांची का स्तूप है क्या कहीं पर किसी पर भी क्या सांची का स्तूप है भाई बिल्कुल है तो किस पर है आपका दो सौ पर है ठीक है अब जरा बताइए कि रानी की बाव किस पर है जल्दी से बताइए भाई जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि रानी की बाव की अगर बात करें तो आपका जो सौ रुपए का नोट है ना सौ रुपए का जो नोट है इस पर दिल्ली में जो रानी की बाव है ना रानी की बाव दिल्ली में ही है ना उसका नोट है ठीक है अब बचा आपका कौन सा पचास पांच सौ और आपका दो हजार का नोट तो दो हजार पर तो मंगलयान है ठीक है अब कम दिखता है दो हजार का नोट अब बचा आपका पचास रुपए और आपका जो है पांच सौ रुपए जल्दी से बताइए कि सौ रुपये पर सौ रुपये पर तो हमने अभी देखा सौ रुपये पर रानी की बाव है ठीक है पांच सौ रुपए पर क्या है आपका लाल किला है है ना भाई पांच सौ रुपये पर क्या है तो लाल किला छपा है और बचा आपका पचास का नोट अब इस पर बताइए किसका फोटो है वेरी गुड एकदम सही ऋतिक रंजन वेरी गुड जल्दी से बताइए कि पांच जो आपका पचास है क्या उस पर हम्पी कर रथ छपा है हम्पी कर रथ तो ये बहुत सिंपल से जो है क्या है डेली यूज में हम देखते हैं लेकिन क्या है जब एग्जाम में क्वेश्चन करेगा ना तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर नोट तो नहीं देख पाएंगे फिर चीटिंग हो जाएगी वैसे ही हमारे सारे वॉलेट वगैरह सब बाहर रख लेते हैं तो जो है यहां से ही पहले ही याद करके जाइए कि क्या होगा ऋतिक कह रहे खजुराहों का टेम्पल अच्छा भाई खजुराहो का है तो हम्पी का रथ कहां पर है हम्पी अलग है खजुराहो अलग है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला है नेफ यू गुआ होली ये रियो बेसिकली क्या है भारत में ही है ठीक है और इनके बारे में पूछा है अब नाम देखिए इनका और उसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि क्या है कि इनमें से अब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं इंडिया के जो पूर्वोत्तर जो भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है इनमें से किसी एक राज्य में जो है क्या है ये मुख्यमंत्री है अभी बात करें जीडी का जो एग्जाम चल रहा है अच्छा कोई बात नहीं है टाइपिंग एरर हो गया तो समझ सकते हैं आंसर आता था अच्छी बात है मेन है आंसर आना चाहिए ठीक है वहां पर आपको आंसर सही करना है यहां इसलिए कहा जाता है कि आंसर कीजिए एक तो आपके अंदर जो है हेजिटेशन होती है ना कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा बाकी सब सही करे सही किसका सारा सही नहीं होता है किसी का भी सबका कुछ ना कुछ सही होता है कुछ ना कुछ, ना कुछ गलत होता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि भाई मुझे आता है नहीं भी आता है तो भी हम कोशिश करेंगे कोशिश तो की जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे आंसर देने की तो पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ठीक है तो इसमें अब जरा बताइए कि मुख्यमंत्री जो है ये किस राज्य के हैं देखिए अभी अगर बात करें जीडी के एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑप्शन दे दिया जा रहा है ये व्यक्ति किस राज्य का मुख्यमंत्री है किस राज्य का राज्यपाल है चलिए जल्दी से आंसर कीजिए कि ये किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री या बताइए ऑप्शन बी मेघालय राम जी कह रहे हैं ऑप्शन बी है वेरी गुड बाकी लोग भी आंसर करें जो सिर्फ देख रहे हैं उनको भी मैं बोल रही हूं कि जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर होगा <coughs> तो नागालैंड किसी ने आंसर नहीं दिया ये नागालैंड के हैं ठीक है अभी नागालैंड के साथ क्या हुआ है पतंजलि ने, ने, ने पतंजलि जो है उसने क्या किया है पाम ऑयल के लिए क्या किया है एक समझौता किया है ठीक है अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एक महोत्सव होता है हॉर्न बिल महोत्सव हर साल दिसंबर मंथ में मनाया जाता है तो कहाँ पर ये भी नागालैंड का ही है चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे जिन्होंने आंसर नहीं किया उनको भी मैं यही कहूंगी कि वेरी गुड आप लोग क्लास में आए लेकिन आंसर करते तो ज्यादा बेस्ट होता देखिए आप लोग यहाँ आंसर नहीं करेंगे ना तो हेजिटेशन अंदर ही रहेगी फिर आप मॉक टेस्ट खरीदेंगे मॉक टेस्ट में आपका पैसा टाइम दोनों जाएगा ठीक है कल का है क्या है कल का रंजन कुमार जी कल ही हमने हाँ कल ही क्वेश्चन भी किया था कि पतंजलि के साथ जो है नागालैंड गवर्नमेंट ने एक पाम ऑयल समझौता किया है ठीक है और हॉर्नबिल महोत्सव सब लोग जानते ही हैं कि नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के मंथ में जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वहां पर बहुत सारे जो है फेस्टिवल होते हैं जनजातीय एरिया ज्यादा है इसीलिए वहां पर अलग अलग फेस्टिवल जो है दिखते हैं जैसे लोसार महोत्सव है ठीक है ऐसी सिमिलर सिमिलर जो है फेस्टिवल मिल जाएंगे अगर बात करें मेघालय की तो मेघालय में क्या है मेघालय में तीन जनजातियां हैं जिनके नाम पर पहाड़ी भी हैं ठीक है गारो खासी जयंतियां वो वहां की आदिवासी जनजातियां भी है और वहां पर क्या है वो तीन पहाड़ी भी हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है एक नया एयरपोर्ट खुला है कहाँ पर उसकी जो राजधानी है ना वहीं पर जो है एक नया एयरपोर्ट ओपन हुआ है तीसरे नंबर का जो है ये एयरपोर्ट है अब इस एयरपोर्ट की अगर बात करें नाम क्या है नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा नाम है डोनी पोलो डोनी पोलो ठीक है अब इसमें क्या है इसका मतलब आप लोग निकालेंगे तो जनजातियों के अकॉर्डिंग इसका नाम है कि डोनी का मतलब है सूर्य ठीक है सूर्य देवता और पोलो का मतलब है चंद्रमा तो वहां पर जनजातियों को मान्यता ज्यादा दी जाती है ठीक है डोनी पोलो एयरपोर्ट है और ये तीसरा जो है वहां का क्या है एयरपोर्ट है इससे पहले भी नाम दिए गए हैं क्या एक है पासी घाट ठीक है पासीघाट एयरपोर्ट है और दूसरा है तेजू एयरपोर्ट और तीसरा वहां पर अरुणाचल प्रदेश में अभी खुला है ये है डोनी पोलो तो पूर्वोत्तर भारत का क्या है ये सबसे ज्यादा क्या हो गया है वहां पर एयरपोर्ट वाला जो है हवाई अड्डो वाला ये अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य बन चुका है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोग आंसर भी कर रहे हैं बहुत सही कुछ students तो एकदम ऐसे हैं कि क्वेश्चन यही जज्बा हमें क्या है एग्जाम में जो है जो आपका क्वेश्चन होते हैं ना उनमें answer करने में बहुत हेल्प करता है अपने अंदर से confidence यही से लाइए प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाकर एग्जाम में कर पाएंगे और जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं ना कि अभी बहुत टाइम है देखिए अगले साल इलेक्शन है वैकेंसी आने में टाइम लगेगा ठीक है तो 2023 गोल्डन चांस है इतनी वैकेंसी जो है सत्रह से उन्नीस के आसपास जो है वैकेंसी आनी है तो अभी से लग जाइए कोई भी एग्जाम निकालने में आपको क्या है छह महीने से एक साल का टाइम आपको देना पड़ता है तो 2023 का एक मंथ जा चुका है अभी से लगिए एम का फॉर्म जिन्होंने नहीं डाला है अभी भी टाइम है ठीक है 10 फरवरी तक फॉर्म डाल दीजिए फिर बाद में प्रॉब्लम होने लगेगी आगे भी डेट है लेकिन लास्ट डेट तक जाना ही क्यों है बहुत अच्छा एग्जाम है जीएस और इंग्लिश आने वाला है ठीक है रीजनिंग मैथ क्वालिफाइंग हो चुका है उसमें और पिछहत्तर नंबर का आपका जीएस होगा और पिछहत्तर का आपका इंग्लिश होगा जल्दी से फॉर्म डाल दे जो नहीं डाले हैं अप्रैल में एग्जाम है और वैकेंसी जल्दी दूसरी वाली जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आने वाली है कैलेंडर उठाकर देख लीजिए जुलाई अगस्त में जो है आपका क्या होगा आपका जो इस बार एग्जाम देगा ना अप्रैल वाला उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में होगा जुलाई अगस्त के बाद ही दोबारा से वैकेंसी आ जाएगी तो सबसे बेस्ट जो है आपके पास अभी मौका है कि एम का फॉर्म डाल दे सी का क्या है आपका एग्जाम है सी का अभी ठीक है मनीष जी बड़ा लेट हो गए मनीष कुमार इसीलिए मैंने कमेंट करके कहा था कि बच्चों दो मिनट रुक जाओ दो मिनट बाद ही क्लास स्टार्ट हो गई थी लेकिन आप लोगों से पेशेंस रखी अंदर स्टूडेंट है पेशेंस मेन है आपके अंदर अगर पेशेंस है कोई भी एग्जाम आप निकाल लेंगे अगर फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे ना तो पढ़ाई नहीं होगी इसीलिए कहा था मैंने रुक जाइए थोड़ा सा लेकिन आप लोग वेट नहीं कर पाए अब देखिए पूरी क्लास निकल गई है कोई बात नहीं है प्ले में मिल जाएगी अब दोबारा से क्लास देख सकते हैं ठीक है अच्छा लगा आप लोग जो हैं इस तरह से क्लास में आए पार्टिसिपेट किया देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए मेरा मोटिवेशन कहाँ से बढ़ेगा तो मेरा मोटिवेशन आप लोगों से बढ़ता है आप लोगों के लाइक like से बढ़ता है कि आप लोग मेरे सेशन को कितना लाइक like कर रहे हैं कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर कर आंसर कर रहे हैं इसी जो है अंदर से और जोश आता है भाई और अच्छे से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना है अगर वन साइडेड क्लास चलेगी ना तो मैं भी जल्दी जल्दी क्या करूँगी बस जो जो मुझे सही लगेगा वो मैं पढ़ा के निकल जाऊँगी ठीक है लेकिन अगर आप लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चन करेंगे, करेंगे तो और क्वेश्चन निकल के आते हैं आप लोग मान लीजिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया उसका आंसर देने के लिए दो तीन स्टूडेंट और आएंगे तो देखिए कितनी नॉलेज बढ़ती है उससे आप लोगों में कंपटीशन भी क्रिएट होगा और साथ ही नॉलेज भी बढ़ेगी हाँ भाई बिल्कुल टाइम एकदम पक्का है कि नौ बजे अपनी क्लास होती है ठीक है डेली नौ बजे क्लास होती है कल संडे है कल नहीं होगी मंडे में हम लोग मिलेंगे ठीक है चलिए आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिन्होंने अभी तक जो है पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए साथ ही अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो पैरामाउंट लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां से भी डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है चलिए फिर आप लोग जो हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए पढ़े हैं और प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये जो भी पढ़ा है ना सब वेस्ट हो जाएगा रिविजन मेन है एक बार पढ़ने से किसी का एग्जाम नहीं निकलता है चलिए फिर हम लोग मिलेंगे मंडे में बहुत मजा आया मुझे पढ़ाकर आप लोग भी बिल्कुल पढ़ाई कीजिए करंट अफेयर ग्रुप है रितिक जी आई थिंक आप ऐड हो रखे होंगे ठीक है आप तो कई दिन से आ रहे हैं क्लास में तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपका करंट का पीडीएफ मिलता है अगर यहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है पैरामाउंट लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आपका एंड्रॉयड मोबाइल फोन है उसमें डाउनलोड कर लीजिए और देखिए जो ग्रुप है बेसिकली ग्रुप है या फिर कोई भी है नहीं है मैम तो कोई बात नहीं है ऋतिक जी आप Paramount Live लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए वहां से जो है आप बिल्कुल ऐड हो जाएंगे ठीक है और आपको क्या मिलेगा डेली आपको क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा लिंक का है भाई लिंक अभी नहीं दे पाएंगे ठीक है अभी जो टेक्निकल टीम में जो सर हैं, वो जस्ट अभी बाहर गए हैं कोई बात नहीं आप कल ऐड हो जाएगा लेकिन अभी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है Uh, क्या बोलते हैं uh, ये आपका पैरामाउंट लाइव ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं तो करंट अफेयर जो है आदित्य मैम पढ़ाती हैं ऑब्वियसली भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में आप लोगों को भी आना चाहिए तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे मंडे में तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए जय हिंद जय भारत